किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैंगन की फसल में आने वाले प्रमुख कीटों के बारे में और उनकी पहचान और रोकथाम आप कैसे करेंगे। स्पेशली जो बैंगन की फसल में सकिंग पेस्ट आते हैं, रस चूसक कीट आते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं, कैसे पहचान करनी है, कैसे रोकथाम करनी है। उसके साथ साथ बैंगन की फसल में एक पत्ती चबाने वाला कीट आता है जो पत्तियों को चबाकर खाता है, जिसको हम हड्डा बीटल कहते हैं। तो हड्डा बीटल के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, उसकी रोकथाम के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैंगन की फसल में सकिंग पेस्ट के बारे में कि कौन कौन से रस चूसक कीट बैंगन की फसल में आते हैं। तो सकिंग पेस्ट की बात करें तो बैंगन की फसल में एफिड जो आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद जैसिड्स और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और माइट्स, ये जो पांच कीट होते हैं ये बैंगन की फसल में पत्तियों से रस चूसकर या उनके तनों से रस चूसकर उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये जो रस चूसक कीट होते हैं ये किस तरीके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं यह भी जान लेते हैं। देखिए, जितने भी ये मैंने रस चूसक कीट बताए तो ये हमारे जो पौधे की पत्ती होती हैं या तो उनके ऊपरी सतह पर बैठते हैं या निचली सतह पर बैठते हैं। ऊपरी सतह से या निचली सतह पर बैठ कर उनका रस चूसते हैं पत्तियों का, जिससे उनमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो कम हो जाती है। पत्तियों के अंदर जो हरित लवण है वो कम हो जाता है, जिससे पत्तियां पेली पड़ने लगती हैं और पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, वो प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण जो पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे पौधों की जो ग्रोथ है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पौधों की जो ग्रोथ है अच्छे से नहीं हो पाती है और जो हमारी जो फसल है वो भी हरी भरी हमें नहीं दिखती है, यानी कि पत्तियाँ पेली पड़ जाती हैं। और जब इनका अधिक अटैक होता है तो उससे जो हमारे फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है, फसल में फूल झड़ने की समस्या है, वो भी देखी जाती है, और ऐसा में जो फल झड़ने की समस्या है वो भी देखी जाती है। और इन सकिंग पेस्ट के ही कारण हमारी फसल में जो वायरस जनित रोग हैं वो आते हैं, जिसको हम जैसे बैंगन में आता है छोटी पत्ती रोग, जिसको हम लिटिल लीफ डिजीज कहते हैं। तो ये रोग जो आते हैं सकिंग पेस्ट के कारण आते हैं, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे बैंगन के प्लांट को, हमारी उपज को और उनकी ग्रोथ को। तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके जानते हैं कि कौन सा कीट किस तरीके से दिखाई देता है, किस तरीके से हमारी फसल को हानि पहुंचाता है। तो सबसे पहले यदि हम एफिड की बात करें तो एफिड क्या करते हैं, ये बैंगन की पत्तियों के नीचे की तरफ बैठते हैं और पत्तियों से रस चूसकर जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से उनको हानि पहुँचाते हैं। पत्तियों को आप उल्टी तरफ से देखेंगे यानी कि पलट कर देखेंगे तो ये जो कीट आपको आसानी से नज़र आ जाएंगे। उसके बाद जो कीट आता है होता है थ्रिप्स। थ्रिप्स को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, ये बहुत छोटा कीट होता है। तो ये पत्तियों पर बैठकर ये भी रस चूसने का काम करता है, इसके कारण जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की तरफ करली हो जाती हैं और पत्तियां धीरे धीरे पेली पड़ने लगती हैं, जो उनका हरित लवण है वो कम होने लगता है। तो जो थ्रिप्स है इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जो आता है वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी हिंदी में हम इसको कहते हैं, इसको हम आसानी से अपने पौधों पर देख पाते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ये भी पौधों से रस चूस कर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। वाइट फ्लाई सबसे ज़्यादा वाहक होता है वायरस को फैलाने का, तो वाइट फ्लाई है तो वायरस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो हर रस चूसक के कीट का अटैक होने पर भी, कोई भी कीट हो जो सकिंग पेस्ट है उसके कारण यदि ज़्यादा अटैक होता है तो वायरस आने के चांस बढ़ ही जाते हैं, लेकिन जो वाइट फ्लाई होता है वो सबसे ज़्यादा इसको वायरस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है हमारी फसलों में। तो वाइट फ्लाई को आप देख सकते हैं, आसानी से दिख जाता है हमारी फसल के ऊपर। उसके बाद आता है जैसिड्स। जैसिड क्या होता है, ये भी हरे कलर के कीट होते हैं, इनको हम फुदका कीट भी कहते हैं क्योंकि ये जंप करते हैं, फुदक कर एक से दूसरी जगह ये कूदते हैं, जंप करते हैं, इसलिए इनको फुदका कीट कहते हैं। और उसके साथ साथ इनको हरा कीट भी या हरा तेला कीट के नाम से भी जानते हैं। ये जो जैसिड्स होते हैं ये भी जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनके नीचे बैठकर उनका रस चूसते हैं, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं वो किनारों से नीचे की तरफ आपको मुड़ी हुई दिखाई देती हैं और पत्तियां किनारों की तरफ से पेली यानी कि येलो होनी स्टार्ट होती हैं। और पत्तियों पर आपको जब इसका ज़्यादा अटैक होता है तो पत्तियाँ जो तांबे के कलर की होकर गिर जाती हैं, यानी कि गहरे भूरे रंग की होकर वो पत्तियाँ ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो ये बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है हमारी बैंगन की फसल को जब इसका ज़्यादा अटैक हो जाता है। उसके बाद जो कीट आता है जो हमारी फसल को, बैंगन की को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, उसको कहते हैं हम रेड माइट, यानी कि लाल मकड़ी के नाम से इसको जानते हैं। ये रेड कलर का कीट होता है, ये भी हमारी फसलों पर बैठकर उनका रस चूसता है। जब इसका ज़्यादा अटैक होता है तो आप पत्तियों पर इसको आसानी से देख पाते हैं। पत्तियां जब इसका इफेक्ट होता है यानी कि इसका अटैक होता है तो पत्तियां हल्की रेडिश कलर की नज़र आने लगती हैं, इस कीट की ये पहचान होती है।
तो यदि अब इन रस चूसक कीटों की रोकथाम की बात करें तो इनमें जो थ्रिप्स है, एफिड्स, जेसिड्स और वाइट फ्लाई, ये चारों कीट एक दवा से कंट्रोल हो जाते हैं जो मैं आगे आपको दवा बताने वाला हूँ। और जो माइट्स कीट की यदि हम बात करें, जो रेड कलर का रेड माइट होता है, इसके लिए हमें अलग से माइटीसाइड देना होता है, इसके लिए अलग दवा का हमें स्प्रे करना होता है। तो थ्रिप्स, एफिड्स, जेसिड्स और वाइट फ्लाई, इन चारों कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी फसल पर जो इमिडाक्लोपिड के नाम से एक दवा आती है, आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक थायमेथोक्साम केमिकल के नाम से दवा आती है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या आप एसीटामाप्रिड जो केमिकल आता है, इसके नाम से कोई अन्य ब्रांड नेम की जो भी दवा आपको मिलती है, आप उसका स्प्रे दे सकते हैं। तो जो भी मैंने दवाई बताई, इनमें से एक या दो दवा ले लें और अपनी फसलों पर 7-7 दिन के अंतर से, यदि ज़्यादा अटैक है तो 3 स्प्रे दें, और यदि कम अटैक है तो शुरुआती लक्षण है तो कम से कम 2 स्प्रे दे दें, तो ये जो कीट है आपकी फसल पर पूरी तरह कंट्रोल हो जाएंगे। अब बात करते हैं रेड माइट को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए आपको माइटीसाइड परचेज करने पड़ेंगे। तो माइटीसाइड में जैसे आप मैजिस्टर का स्प्रे दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी दवा है। उसके साथ साथ नो माइट के नाम से एक दवा आती है, आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ एक ओबेरॉन के नाम से दवा आती है, आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। तो किसी भी एक दवा का स्प्रे 7 दिन के अंतर से कम 2 स्प्रे दे देते हैं तो जो रेड माइट की समस्या है वो आपकी फसल पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। और यदि अब हम इनके ऑर्गेनिक कंट्रोल की बात करें तो देखिए, ऑर्गेनिक कंट्रोल में आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम का तेल, चाहे वो आपके रस चूसक कीट हो, थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई या जेसिल्स या माइट्स क्यों ना हो, तो ये जो नीम का तेल होता है सभी पर काम करता है। उससे माइट्स, रेड माइट भी कंट्रोल हो जाएगा, बाकी के जो सकिंग पेस्ट है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो नीम के ऑयल से सारे के सारे कीट कंट्रोल हो जाते हैं, तो नीम का तेल काफ़ी अच्छा रहता है। तो यदि हम शुरुआत में ही नीम का तेल का स्प्रे समय समय पर देते रहते हैं तो इन कीटों का अटैक हमारी फसलों पर नहीं होता है। उसके बाद जो हमारी बैंगन की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है वो है हड्डा बीटल कीट, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कीट हमारे बैंगन की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी पत्तियां छलनी दिखाई देती हैं, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से पत्तियों को खाता है, इसका जो ग्रब है वो भी इस तरीके का दिखाई देता है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों ही हमारी पत्तियों को, बैंगन की पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये कीट भी बुरी तरीके से हमारी बैंगन की फसल को प्रभावित करता है। इस कीट की रोकथाम के लिए आप जो रॉकेट के नाम से दवा आती है मार्केट में, उसका स्प्रे दे सकते हैं, जिसमें प्रोफेनोपोस प्लस साइपरमेथिन साल्ट होता है, तो आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप फेम के नाम से एक दवा आती है जिसमें फ्लूबेंडियामाइड साल्ट होता है, आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोराजन का स्प्रे दे देते हैं तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। इंटरपिड के नाम से एक दवा आती है जिसमें क्लोरफेम्पियर साल्ट होता है, आप उसका स्प्रे दे देते हैं तो उससे भी ये कीट कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ साथ लार्विन के नाम से एक दवा आती है जिसमें थायोडीकार्ब केमिकल होता है, उससे भी ये कीट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इनमें से किसी का भी स्प्रे आप दे देते हैं तो आसानी से इस कीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की वीडियो में जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।